हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्रेशन मेंबर। कि हम लोग कंप्रेशन मेंबर में हम लोग पहले जानेंगे कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं, किस तरह से उसके सारे कंडीशंस होते हैं, उसमें स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, उसका इफेक्टिव लेंथ का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह वो रोल प्ले करता है आपको कंप्रेशन मेंबर में। और फिर उसके बाद हम लोग उसके डिज़ाइन के प्रोसीजर पर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली 4 से 5 क्लासेस में ये कंप्रेशन मेंबर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें से आपका थ्योरी पोर्शन कम रहेगा। 2 क्लासेस में आपके थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको जब स्ट्रट की तरह यूज़ होता है तो डिफरेंट न्यूमेरिकल होता है, फिर जब आपका कॉलम की तरह यूज़ होता है तो डिफरेंट न्यूमेरिकल होता है। किस तरह से हम लोग IS कोड से हमारा क्या टेबल हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ों को समझेंगे कॉम्पिटिशन मेंबर में। अब सबसे पहले कॉम्पिटिशन मेंबर होता क्या है, तो आपको ये आइडिया तो पड़ ही गया होगा जब आप कनेक्शंस पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी एक मेंबर में जब दोनों तरफ से फोर्स इस तरह से लगता है कि वो उस मेंबर के लेंथ को शॉर्टन करने की कोशिश करता है, तो वो आपको कंप्रेशन फोर्स कहलाता है। तो अब हम लोग अभी जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियल कंप्रेशन फोर्स के बारे में। मतलब ये अगर एक आपका मेंबर है, इसका ये एक्सिस जा रहा है इसके सेंटर से, तो इस एक्सिस पे जो आपको लोड पड़ता है तो जिसकी वजह से आपको कंसेंट्रिक फोर्स कंप्रेशन फोर्स आता है। तो हम लोग जो हमारा सिलेबस में पढ़ेंगे हम लोग उसमें कंसेंट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इसेंट्रिक फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इसेंट्रिक फोर्सेस हम लोग उसको अभी इलिमिनेट करके चल रहे हैं। तो अब कंप्रेसिव फोर्स आपको पता है कि एक्सिस पे जो आपका लोड इनवर्ट्स लग रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स है। तो वैसा मेंबर जो आप यूज कर सकते हैं कंप्रेशन फोर्स जब लग रहा हो उस समय, तो आपका वो कहलाएगा कंप्रेशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर। अब स्टील स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। एक आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है स्टील का, फिर आपका ब्रिजेस वगैरह होते हैं, फिर आपको ट्रसेस होते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर को आप जब अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे तो उनका अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है, उनका नेमिंग जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो जब आप ट्रसेस में यूज़ करेंगे तो ट्रसेस में जो आपको कंप्रेशन मेंबर्स यूज़ होते हैं वो आपको कहलाते हैं स्ट्रट। पहला कंप्रेशन मेंबर को हम लोग कहते हैं स्ट्रट। तो स्ट्रट जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्ट्रट वो मेंबर होगा जो आपका ट्रस में यूज़ होता है एज अ कंप्रेशन। आपका ये ट्रस होता है, इसमें से जो जो आपका कंप्रेशन मेंबर होगा वो आपका कहलाएगा स्ट्रट। ये वाला मेंबर भी आपको कहलाएगा स्ट्रट, इसमें अगर कंप्रेशन आ रहा है तो वो कहलाएगा स्ट्रट। तो ऐसा मेंबर्स तो जब ट्रस में यूज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे उसको स्ट्रट। दूसरा, जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर हम लोग स्टील का कॉलम यूज करते हैं तो उस केस में वो क्या होता है कि वो टोटल बिल्डिंग का लोड को बियर करता है। तो जब वहां कंप्रेशन मेंबर की तरफ यूज होगा तो वो कहलाएगा आपको कॉलम, या फिर उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट, और पोस्ट को हम लोग स्टैंचियंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो नोमेनक्लेचर हैं ये आपको कंप्रेशन मेंबर के ही नोमेनक्लेचर हैं। जब बिल्डिंग्स वगैरह में यूज होगा तो ये होगा बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इस तरह से कहीं पे भी अगर यूज होगा तो वो आपको कहलाएगा कॉलम्स या फिर पोस्ट या फिर स्टैंचियंस। लेकिन अगर आपको ट्रस में यूज होगा तो आपको कहलाएगा ये आपको ट्रस में हो गया, ट्रस में अगर आपको यूज हो रहा है तो ये कहलाएगा आपको स्ट्रट। ठीक है, अब कंप्रेशन मेंबर का काम कैसे ये वर्क करता है। जैसे हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ते थे तो टेंशन मेंबर में क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं वो इलोंगेट होता है, मतलब उसमें यील्डिंग आता है। तो हम लोग उस यील्डिंग के हिसाब से हम लोग उसको चेक करते हैं कि कितना फोर्स तक ये मेंबर आपको यील्ड नहीं होगा, वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस उसके लिए हम लोगों को पता रहता है, और उसको हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परमिसिबल लोड निकल जाता है कि कितना लोड ये कैरी कर सकता है। अब कंप्रेशन मेंबर में 2 तरह से चीज़ें होती है। अब इसमें कंप्रेशन मेंबर में इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि आप जैसे आपका ये कॉलम है, अब आप इसको कंप्रेशन मेंबर में यूज करने वाले, मतलब इसमें ऊपर से लोड पड़ेगा जो इसको आपको शॉर्टन करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो इसमें क्या क्या बिहेवियर हो सकता है ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको लेंथ बहुत छोटा है, जैसे इस केस में क्या है कि स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग टेंशन मेंबर में पढ़े थे कि किसी भी लेंथ बाई उसका जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है कि ये आपको कितना स्लेंडर है। तो ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको डिसाइड करता है कि कंप्रेशन मेंबर आपका किस तरह से बिहेव करेगा। अब क्या क्या बिहेवियर होता है, एक होता है कि जब आप इसको फोर्स लगा के प्रेस कर रहे हैं ऊपर से तो ये आपको क्या होगा, कंप्रेस होगा तो इसमें क्या होगा, इसका लेंथ जो है वो छोटा होने लगेगा। तो जब लेंथ छोटा होने लगेगा तो इसमें क्रशिंग आ जाएगा। तो पहला जो आपका इफेक्ट होगा वो होगा आपका क्रशिंग, जो कंप्रेशन मेंबर में होता है। ठीक है, अब ये कब होगा क्रशिंग, जब आपका स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो आपका
सफिशियंट है, लेकिन आपको फोर्स जो लग रहा है वो उसके बियरिंग से ज्यादा लग रहा है जो कॉलम बियर कर सकता है, तो वो आपको क्या करेगा, क्रशिंग हो जाएगा उसमें। दूसरा कि क्रशिंग उस समय भी होगा जब आपका लोड जो है वो बिल्कुल, अगर आपका ये जो इसका जो एक्सिस जा रहा होगा सिमेट्री का सीजी का, उस बिल्कुल एक्सिस पे लगेगा और ये इतना स्ट्रेट मेंबर होगा कि इसमें थोड़ा सा भी बकलिंग नहीं आएगा। बकलिंग इन द सेंस कि ये अगर कॉलम स्ट्रेट कॉलम है तो ये आपको कुछ इस तरह से लोड लगने के बाद बकल नहीं करेगा, टेढ़ा नहीं हो जाएगा, बेंडिंग नहीं आ जाएगा उसमें। तो आपको जब नहीं होगा और बिल्कुल यहां फोर्स लगेगा तब इसमें आपको क्रशिंग आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, बकलिंग, क्योंकि आइडियल कंडीशन ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी भी, अगर आपका एक एक्सिस पे अगर आप लोड लगा रहे हैं किसी भी मेंबर के, तो वो आपको बिल्कुल उसको आइडियल कंडीशन ऐसा होगा कि वो आपको सिर्फ कॉम्प्रेस ही करेगा, ऐसा कंडीशन आइडियल होता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो जब वो नहीं होता है तो इस क्रशिंग के साथ साथ आपको एक बकलिंग आ जाता है कॉलम में। जब आप इस तरह का एक कॉलम बना रहे होंगे, ये अगर आपका कॉलम है, अब इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये मान लीजिए कि परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है, बट थोड़ा आपको ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोड लगाते हैं सीजी पे ही, तो वो लोड लगने के साथ साथ दबता तो है, कॉम्प्रेस तो होता है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा वो अपने एक्सिस से बाहर चला जाता है। तो ये अगर इसका एक्सिस है तो ये कुछ थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ आ जाता है। तो जब ये बाहर की तरफ थोड़ा आ जाता है तो मतलब कॉलम आपको इसमें बकलिंग आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बकलिंग। तो ये जो लोड पहले पड़ रहा था पी, तो जब ये क्रशिंग होता है तो लोड यहाँ ट्रांसफर होता है पी, लेकिन जब ये आपको बेंडिंग आ जाता है तो लोड तो यहाँ भी ट्रांसफर पी हो ही जाएगा, जो आपका एक्चुअल लोड आ रहा है वो आपको इस वाले एक्सिस के थ्रू, इस वाले पाथ के थ्रू आपको पी ट्रांसफर हो जाएगा, बट उसके साथ साथ जो आपको ये इसेंट्रिसिटी बना है ई, तो ये पी इंटू ई करके ये आपको एक मोमेंट भी बना देगा, तो आपको यहाँ पे एक मोमेंट भी एड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो रखते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो के अंदर होने के बावजूद भी कई बार आपको इस तरह से बकलिंग आ जाता है, तो बकलिंग आ जाता है तो उसमें क्या होता है, एक मोमेंट ऐड हो जाता है। तो जो इस केस में एक्सियल के केस में सिर्फ पी लग रहा था, वो आपको इस बकलिंग के केस में पी प्लस एम आ जाएगा। अब एम क्या हो जाएगा, पी इंटू वो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। अब इस केसेस में क्या होता है कॉलम के केस में, कि लोड ऊपर से कंटिन्यूस पड़ रहे हैं। अब जब लोड कंटिन्यूस पड़ रहा है तो उसमें अगर आपको एक इसेंट्रिसिटी आ गया कुछ भी डायमेंशन का, 5 mm 4 mm, तो जब उस पर लोड एक्ट और करता ही रहेगा तो वो पी इंटू ई होकर के मोमेंट बनाएगा। फिर अगर ग्रेजुअली और लोड पड़ता रहेगा तो वो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। फिर ये कॉलम अभी इतना बकल हो रहा है, थोड़ा देर बाद वो कुछ इतना बकल हो जाएगा। अब ये इसेंट्रिसिटी आपको हो जाएगा 10 mm, यहाँ अगर 4 mm हो रहा था तो फिर क्या होगा कि आपको उस 10 mm के लिए भी एक मोमेंट बनता रहेगा। तो इसी तरह जब वो मोमेंट बनता रहेगा, इसेंट्रिसिटी बढ़ता रहेगा, तो फिर वो कॉलम आपको लोड बेयरिंग से पहले आपको बेंडिंग के लिए फेल हो जाएगा। मतलब अगर आपका पी का जो आपका कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर ये 500 किलोन्यूटन है, तो जब ये इसेंट्रिसिटी इतना ज्यादा होने लग जाएगा कि इसका जो आपका लोड 500 है इंटू जो इसेंट्रिसिटी आ रहा है, तो उससे एक बेंडिंग स्ट्रेस बन रहा है, तो वो बेंडिंग स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि उस बेंडिंग की वजह से वो फेल हो जाएगा। जिस समय उस समय पी आपका पहुंचा होगा 300 किलोन्यूटन ही, मतलब लोड अभी भी वो और बियर कर सकता था अगर उसके एक्सेस पे लोड पड़े और अगर मोमेंट नहीं आए, इसेंट्रिसिटी नहीं आए, तो वो अभी और 200 किलोन्यूटन तक लोड कैरी कर सकता था, बट उसके पहले ही वो क्या होगा, आपको बेंडिंग में फेल हो जाएगा। तो ये दो तरह का आपको बिहेवियर होता है कॉम्प्रेशन मेंबर में। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक में रखते हैं कि हम लोगों को ये अवॉइड करना है कि इसेंट्रिसिटी आएगा तो कितना, किस तरह से आएगा, किस तरह से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग आगे सारे कंडीशंस पढ़ेंगे कि कैसे ये अवॉइड होगा। अब ये दो फोर्स के आपको फोर्स हो गया, एक क्रशिंग हो गया आपके कॉम्प्रेशन में, दूसरा में आपको हो गया बकलिंग। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये आपको डिपेंड करती है कि आपका स्पैन कितना लंबा है, लेंथ कितना है, सेंटर टू सेंटर अगर आप एक कॉलम बना रहे हैं तो उसके टॉप टू बॉटम का जो हाइट होगा वो क्लियर डायमेंशन कितना है, पहला। दूसरा, रेडियस ऑफ जायरेशन पे भी डिपेंड करता है, तो जिसको हम लोग एल बाई आर को हम लोग बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो पहला तो हम लोग अभी समझेंगे स्लेंडरनेस रेशियो कंप्रेशन के केस में क्या क्या वैल्यूज होता है और क्या क्या उसके कंडीशंस गिवन है कि किस किस केस में आपका क्या क्या परमिसिबल आपको मैक्सिमम वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो का। दूसरा, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका ये जो इफेक्ट टोटल लेंथ होता है। अब जब आप कॉम्प्रेशन मेंबर में, आपको एक कंडीशन और आता है जो आपको टेंशन में नहीं था, कि आप किस तरह से उसका कनेक्शन ऊपर और नीचे बनाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप एक फिक्स्ड, आपका एक ऊपर फिक्स सपोर्ट है, आप इससे इसको कैच कर लिए और नीचे भी आपका एक फिक्स सपोर्ट है, तो जब आप इस तरह से फिक्स सपोर्ट में जब आप ऊपर लोड लगाएंगे और वो उसको कॉम्प्रेस करेगा,
तो फिक्स्ड होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये हाथ है, इसमें अगर आप एक लोड लगा रहे हैं, तो जब आप लोड लगा रहे हैं तो ये जब आपको बेंड होगा तो ये सिर्फ ये पोर्शन तो बेंड नहीं होगा, ये आपका पूरे हाथ को लेकर के बेंड होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पूरा एरिया उसको बियर करेगा, सिर्फ ये पोर्शन बियर नहीं करेगा। तो उसी तरह ये वाले कॉलम के भी केस में होता है कि जब आप इसमें लोड लगाते हैं, अगर आप इसको यहाँ से फिक्स्ड इस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं, तो फिक्स्ड कनेक्शन का मतलब है कि आपका यहाँ भी फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है। तो आपका ये जो बीच में जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, तो सिर्फ ये वाला आपको टोटल एक्ट नहीं करेगा क्लियर स्पैन में। तो इसका मतलब है कि इस कनेक्शन फिक्स्ड होने की वजह से कुछ डिस्टेंस होगा जो आपको वो इसके फिक्स्ड के तरह ही कंसिडर होगा। मतलब यहाँ आपको टोटल लेंथ अगर आपका एल है, तो अब आपका कुछ डिस्टेंस ऊपर से अगर 20% है तो 20%, और नीचे भी आपका फिक्स्ड है तो नीचे भी 20%, तो मतलब आपको 40% जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। अगर हम उसको यहाँ समझे तो ये अगर आपका एक फिक्स्ड है इस तरह से सपोर्ट, ऊपर वाला सपोर्ट, और आपका कॉलम यहाँ नीचे वाले सपोर्ट में भी इस तरह से फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि ये फिक्स्ड होने का मतलब है कि कुछ इतना डिस्टेंस और कुछ इतना डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको फिक्स्ड के साथ ही कंसिडर होगा फिक्स्ड के जैसा। क्योंकि अब ये आपको, अब ये हाथ का जो एग्जांपल दिए उससे क्या समझा है कि आपको ये फिक्स्ड होने से क्या हुआ कि कुछ दूर का जो मेंबर है वो आपको रिजिड कंसिडर होता है। तो इसका मतलब है कि एक टोटल अगर हम इसका लेंथ अगर हम 3 मीटर कंसिडर करें, तो हो सकता है कि इसमें ये वाला जो लेंथ है ये 2 मीटर ही मेरा सिर्फ मेरे काम में आ रहा है जो कॉम्प्रेशन फोर्स को लेगा। तो ये चीज आपका कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। ये हो गया आपका टोटल लेंथ जो हम लोग 3 मीटर अभी तक हम लोग एल बाई आर में लेके चलते थे। अब आपका आ जाता है कंप्रेशन मेंबर के केस में कि आपका इफेक्टिव लेंथ इंपॉर्टेंट होता है। टोटल लेंथ हो सकता है कि आपको ये सिर्फ अगर पिन सपोर्ट होगा ऊपर और नीचे, तो हो सकता है आपका इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स नहीं हुआ, पिन नहीं हुआ, फिक्स हो गया, तो फिक्स हुआ तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जब थोड़ा कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आप एल बाई आर में अगर 2 मीटर से अगर आप लेंगे, तो पहले अगर आप 3 मीटर से लेते तो एल बाई आर ज्यादा आता, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो आपका ज्यादा आता। लेकिन इस वाले केसेस में हो सकता है स्लेंडरनेस रेशियो आपका कम आएगा, क्योंकि आपका एल जो है वो 3 मीटर से 2 मीटर हो जाएगा। तो जब वो कम आएगा तो वो आपको कॉम्प्रेशन मेंबर में ज्यादा लोड कैरी कर सकेगा, तो वो आपको ये बकलिंग इफेक्ट को काउंटर कर सकेगा। तो अब हम लोगों को 2 चीज समझना होगा, पहला कि हम लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो का क्या वैल्यूज है कॉम्प्रेशन के केस में, और दूसरा जो ये इफेक्टिव लेंथ अभी हम लोग कंसिडर कर रहे थे, इस इफेक्टिव लेंथ के लिए भी आपको आईएस 800/1984 में कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, वो क्राइटेरियाज हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं स्लेंडरनेस रेशियो में। ये टेबल आपको आईएस 800/1984 में गिवन है, क्लॉज 3 पॉइंट समथिंग है, वो आपको नीचे बता दिया जाएगा। उसमें आपको ये स्लेंडरनेस रेशियो का टेबल आपको गिवन है, जिसमें आपको टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों के लिए मिक्स्ड वैल्यूज गिवन थे, जो हम लोग टेंशन के लिए कंसीडर किए थे टेंशन वाले चैप्टर में। अब उसमें से हम लोग कॉम्प्रेशन वाला जो वैल्यूज है वो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला वैल्यू क्या है, ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड। हम लोग का एक ऐसा मेंबर जो कॉम्प्रेशन लोड कैरी कर रहा है, ये तो ठीक है क्योंकि हम लोग कॉम्प्रेशन के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रेशन फोर्स जो आ रहा है वो आपको डेड लोड या सुपर इम्पोज लोड, मतलब जो आपके ग्रेविटी लोड्स होते हैं, अगर आप बिल्डिंग केस में कंसिडर करेंगे तो आपका जो स्लैब का थिकनेस होता है, जो आपका फ्लोर फिनिश होता है, जो आपके लाइव लोड एंड डेड लोड्स होते हैं, वो सारे लोड्स मिलके जो आपको कॉम्प्रेशन फोर्स देंगे, वैसा अगर मेंबर होगा उसमें वैसा फोर्स आ रहा होगा तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम विंड या अर्थक्वेक फोर्स provided the deformation of such members does not adversely affect the stress in any part of the structure। मतलब सेम चीज है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ये दिया हुआ है कि वैसा कॉम्प्रेशन मेंबर जिसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है लेकिन वो आपको सुपर इम्पोज या डेड लोड की वजह से नहीं, विंड या अर्थक्वेक की वजह से आ रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपको जो आपका स्ट्रेस है पूरे उस कॉम्प्रेशन मेंबर में वो किसी भी पॉइंट पे अल्टर नहीं हो रहा है, चेंज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा आपका कॉम्प्रेशन का जो आपका लिमिट होगा स्लेंडरनेस रेशियो का वो आपको 250 हो जाएगा। ये एक केस है, जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ना ये कंडीशंस बताए हुए रहेंगे कि कैसा टाइप का मेंबर है, उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपको वो रीड करके इसमें से देखना पड़ेगा कि वो कौन से वाले पार्ट का वो हिस्सा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम। अगर आप एक किसी भी बीम में यूज कर रहे हैं, बीम हम लोगों का आगे का एक यूनिट आएगा, तो जब आप बीम में यूज करते हैं तो बीम में जो आपका कॉम्प्रेशन मेंबर ले रहा है, जो आपका सिर्फ कॉम्प्रेशन आ रहा है जिसमें, वैसा अगर आपका मेंबर होगा तो आपको ये 300 mm का, मतलब अगर बीम में हम लोग क्या करते हैं आई सेक्शन यूज करते हैं, तो आई सेक्शन में आपको ये वाला पोर्शन कुछ टेंशन में जाएगा और ये वाला कुछ कॉम्प्रेशन में आएगा, तो जो आपका कॉम्प्रेशन फ्लेंज होगा
अगर हम लोग उस कॉम्प्रेशन फ्रेंच से आगे अगर कोई फर्दर डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप कॉम्प्रेशन फ्रेंच के निकालना चाह रहे हैं कि इसमें कॉम्प्रेशन का फोर्सेस क्या होगा, कितना वैल्यूज होगा, तो वो आपको कहलाएगा कॉम्प्रेशन फ्रेंच ऑफ ए बीम। एक बीम का फ्रेंच जो आपको कॉम्प्रेशन में है उसका परमिसिबल लिमिट है आपको 300 मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो नहीं आ सकता है। उसके बाद फोर्थ है आपको ए मेंबर नॉर्मली कैरिंग टेंशन बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड या अर्थक्वेक फोर्सेस। ये हम लोग पढ़े थे, ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट टेंशन मेंबर के केस में भी, मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का क्या मतलब है, या तो वो टेंशन हो जाएगा या कॉम्प्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग टेंशन में पढ़े कि एक मेंबर जो आपको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इसमें पॉसिबल है बट वो टेंशन मेंबर है तो उसका लिमिट भी आपको 350 गिवन था। तो वही वाला लिमिट यहाँ भी होगा कि एक मेंबर जिसमें आपको टेंशन आ रहा है बट अगर उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ गया और वो अगर आपको कॉम्प्रेशन मेंबर बन गया तो आपको वो कॉम्प्रेशन मेंबर में काउंट होगा। तो कॉम्प्रेशन मेंबर के केस में भी आपका जो लिमिट होगा वो 350 ही होगा, मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस जिस जिस मेंबर में आएगा, चाहे आप टेंशन का न्यूमेरिकल कीजिए चाहे आप कॉम्प्रेशन का कीजिए, तो जिसमें भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आएगा उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपका 350 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्ट्रट कनेक्टेड विद अ सिंगल रिवेट। मतलब अभी जो हम लोग स्ट्रट का डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी हम एक ट्रस की बात करेंगे तो ट्रस में जो हमारा कॉम्प्रेशन मेंबर होगा वो कहलाएगा हमारा स्ट्रट। तो वो स्ट्रट अगर आपको सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है तो उसका परमिसिबल लिमिट 180 है। आप सिंगल रिवेट से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि आप इस तरह से, यह आपका एक गसेट प्लेट है और यहां आपका दूसरा गसेट प्लेट है। अब इस गसेट प्लेट में आप इस तरह से एक स्ट्रट को एक मेंबर यूज कर रहे हैं और वो आपको एक सिंगल रिवेट से सिर्फ इस तरह से कनेक्टेड है। तो जब सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है इसका मतलब ये क्या हुआ, आपको एक तरह का पिंड कनेक्शन हुआ, फिक्स तो हुआ नहीं, क्योंकि जब आपका ये सपोर्ट मूव करेगा तो आपका ये मेंबर जो है ये सिर्फ इससे एक रिवेट से कनेक्टेड है। तो एक रिवेट से कनेक्टेड है तो इसमें फोर्सेस जो है वो आपको इस पूरे लेंथ में आपको इसको बकल करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉम्प्रेस होगा तो ये, क्योंकि सिंगल अगर आपको फिक्स्ड होता तो इसका कुछ ऐसा वाला केस होता, लेकिन पिंड होने का मतलब, सिंगल लिमिट का मतलब है कि कुछ ऐसा वाला केस है। तो जब इसमें फोर्स लगेगा दोनों तरफ से तो ये इसको बकल करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस केस में आपका जो लिमिट है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है और 180 का आपको स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम अलाउड होता है। तो स्ट्रट का इसका मतलब है कि अगर ये सिंगल लिमिट नहीं भी दिखा रहता तो अगर आप इसको डबल लिमिटेड भी करते तो आप इसको चेक करेंगे 180 से ही। लेकिन अगर आप स्ट्रट यूज कर रहे हैं और वो अगर आपका एक फिक्स्ड कनेक्शन बना हुआ है, वेल्डेड किया हुआ है फॉर एग्जांपल अगर दोनों तरफ में, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक नॉर्मल कॉम्प्रेशन मेंबर हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉम्प्रेशन मेंबर अगर वो डेड या सुपर इम्पोज के लिए होगा तो भी 180 लिमिट रहेगा, अगर वो अर्थक्वेक वगैरह के लिए होगा तो फिर आपको 250 लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नॉर्मल कॉम्प्रेशन मेंबर नहीं है, अगर आपको एक स्ट्रट है और वो आपको एक सिंगल या डबल लिमिटेड से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 180 हो जाएगा। तो ये चीजों को आपको याद रखना है, ये आपके याद रखने के लिए एक टेबल है। तो जब आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको उस क्वेश्चन को रीड करके ये समझना है कि कॉम्प्रेशन मेंबर किस टाइप का हो रहा है। तो किस टाइप का हो रहा है ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसमें से सारे कंडीशंस आपको याद रखने होंगे। आप अगर लाइन बाय लाइन नहीं भी याद रखेंगे तो आप इसका एक कंडीशन बना ले कि ये कैसा कैसा टाइप का मेंबर है, उस टाइप के हिसाब से आप स्लेंडरनेस रेशियो अपना याद रख लीजिए। तो ये हुआ आपको स्लेंडरनेस रेशियो का पार्ट। अब स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, एल बाई आर मिनिमम। तो इसका मतलब है कि आर मिनिमम तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन है जो कि आपको हर मेंबर का स्टील टेबल में गिवन है वैल्यू, तो ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता, ये आपके हाथ में नहीं है। बट अब आपका ये जो लेंथ है इफेक्ट, जो आपका लेंथ हम लोग यूज करते थे, तो ये लेंथ अब आपका कॉम्प्रेशन मेंबर के केस में कितना होगा और क्या कंडीशंस होते हैं जिसके हिसाब से ये लेंथ जो है ये चेंज हो सकता है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका कहलाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर्स। उसके लिए IS 800 में आपको एक टेबल प्रोवाइडेड है, वो अभी टेबल हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जानेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए IS 800 1984 में एक टेबल आपको गिवन है जो आपके बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस और बहुत सारे वैल्यूज गिवन है डायग्राम के साथ, ये क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग दो चीज समझते हैं, पहला ये आपका पोजीशन और दूसरा रोटेशन। पोजीशन को आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक कॉम्प्रेशन मेंबर अगर आप बना रहे हैं तो कॉम्प्रेशन मेंबर जनरली अगर हम लोग एक बिल्डिंग के एग्जांपल लें तो उसमें कॉम्प्रेशन मेंबर कौन सा वाला होगा, कॉलम होगा जो हमारा लोड बियर करता है। तो कॉलम
कहाँ से कनेक्टेड होता है, एक आपके टॉप फ्लोर से स्लैब और बीम के जंक्शन से कनेक्ट होता है और एक आपके बॉटम में कनेक्ट होता है। तो ये दोनों जो जगह पे वो कनेक्ट होता है ये आपको बताता है पोजीशन कि यह कहाँ पे कनेक्टेड है और ये पोजीशन मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर पोजीशन जो है आपके सपोर्ट्स का है, बेसिकली क्या होता है कि ये आपके सपोर्ट्स के लिए दोनों कंडीशन है, ये दोनों आपको सपोर्ट के कंडीशन है। आगे आप इस पे स्ट्रक्चर एनालिसिस जब आपका एक बीटेक में सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आप ये रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पे आगे बहुत, इसके आगे एक थ्योरी होती है जो आपको एमटेक तक जाती है जो कि आपके स्ट्रक्चर्स के का पार्ट होता है, तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, रोटेशन थ्योरी, हम लोग बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अभी आप इतना समझिए कि एक सपोर्ट जो है वो आपको दो तरीके से बिहेव करता है, पहला उसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, दूसरा उसमें आपको रोटेशन आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया कि जो आपका ये सपोर्ट है जिसपे ये जुड़ा हुआ है ये आपको मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा होता है आपका रोटेशन, रोटेशन इन द सेंस कि अगर आप इसको जैसे आपका कनेक्टेड है आप इसको अब बेंड कर रहे हैं, लोड लग रहा है इसमें, तो लोड लग रहा है तो ये कॉम्प्रेस हो रहा है, तो कॉम्प्रेस हो रहा है तो कहीं ये सपोर्ट पे कनेक्टेड रहे, इसी पोजीशन पे रहे, बट ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक रोटेशन आ जाएगा। जैसा आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं ये वाला, इस वाले में या इस वाले में आप देखेंगे ये आपका टॉप का सपोर्ट है, ये आपका बॉटम का सपोर्ट है, तो इस बॉटम वाले सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि ये फिक्स्ड है, लेकिन टॉप वाले सपोर्ट में आपको एक पिन सपोर्ट दिया हुआ है। ये आप लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में कि आपको कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, पिन सपोर्ट होते हैं, रोलर सपोर्ट्स होते हैं, फिक्स सपोर्ट्स होते हैं। तो आपको ये जब पिन के जैसा कंडीशन होगा, तो कैसा कंडीशन, जिसमें आपका पोजीशन यही है, ये जो आप डैश लाइन देख रहे हैं एचएस, ये आपको फिक्स्ड पोजीशन है, लेकिन इसमें आपका क्या हो रहा है कि कॉलम जो है वो आपका रोटेट हो सकता है, तो रोटेट हो सकता है तो आपको उसमें क्या आएगा, रोटेशन आएगा। ये रोटेशन क्या होगा, ये आपको थीटा होगा, इस पे आप पढ़ रहे होंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, अभी आप अपने पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आता है आपको रोटेशन। तो एक होता है आपको डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है रोटेशन, ये दो आपके कंडीशंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप पढ़ रहे होंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में डेल्टा, और पोजीशन रोटेशन को आप पढ़ रहे होंगे थीटा। अब ये दो कंडीशन के हिसाब से आपका किस तरह का सपोर्ट होगा जो आपके कॉलम को सपोर्ट कर रहा है वो आपको डिफाइन करता है, ये आपके 7 टाइप्स के मेथड्स है इफेक्टिव लेंथ निकालने का। अब उन सारे कंडीशंस के हिसाब से, सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से आपका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो हर कॉलम का अलग अलग होगा, एक ही कॉलम है सेम लेंथ का, बट उसमें जब आपका रोटेशन आएगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, या एक केस में जब रोटेशन आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, तो उन सारे केसेस में आपको एक इफेक्टिव लेंथ आपको बताता है IS-800-1984 का ये टेबल। ये टेबल आपको क्लॉज नंबर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा टेबल नंबर है IS-800-1984 में। अब उसमें ये इफेक्टिव लेंथ जो होता है, अब इसके कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंड्स पे आपको ये हेल्ड किया हुआ है पोजीशन में, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसमें नहीं आएगा, ये सपोर्ट यहां से यहां मूव नहीं करने वाला है, तो ये हो गया दोनों का पोजीशन हेल्ड। दूसरा, आपका रोटेशन भी आपको रिस्ट्रेन किया हुआ है, तो आपका मतलब इसमें रोटेशन भी दोनों सपोर्ट्स पे नहीं आ रहा है। तो जब दोनों सपोर्ट्स आपको फिक्स्ड हैं, दोनों सपोर्ट्स पे आपको रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा इस केस में, अगर ये आपका टोटल स्पैन जो है ये अगर आपको लेंथ एल का है, तो इसको आप सिर्फ अपने जब आप कैलकुलेशन पे लेंगे तो आप सिर्फ इसका 65% ही लेंगे, मतलब 0.65L। तो ये जो आपका 65% ऑफ द लेंथ है ये आपका बकल करेगा, बट स्टार्टिंग का जो आपको 0.35/2 और 0.35/2 जो आपको ये लेंथ ऊपर और नीचे है ये आपको बकल नहीं करेगा, ये आपको फिक्स्ड कंसिडर होगा। ये इस कंडीशन के कहने का यही मतलब है कि जब यहाँ पर रोटेशन भी नहीं है, जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है दोनों साइड में, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल फिक्स सपोर्ट है, ना इस सपोर्ट पे रोटेट करेगा ना इस सपोर्ट पे डिस्प्लेस होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ दूर तक ये फिक्स्ड की तरह कंसिडर होगा, बॉटम से भी कुछ दूर तक ये फिक्स्ड की तरह कंसिडर होगा। तो कितना रिमेनिंग लेंथ आपका इफेक्टिव होगा, वो आपका 0.65×L होगा। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में आते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। मतलब एक वाले एंड पे आपको इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन है। इसका मतलब है कि जब भी आपका रोटेशन होगा ना, आप एक सिंबल याद रखिए, ये इस तरह से आपको डॉट्स वहां पे दिखाई रहेगा। तो जब आपको यहाँ इस वाले केस में देखिए, आपको यहाँ पे सपोर्ट दूसरी जगह नहीं दिखाया गया है, जैसे इस इन वाले केस में देखिए, इसमें आपको सपोर्ट जो है वो दो दिखाए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाला जो सपोर्ट है ये मूव कर रहा है, बट नीचे वाला सपोर्ट जो है ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है। तो नीचे वाला सपोर्ट आपका यहाँ भी फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है, तो इसमें आपको दोनों तरफ ये फिक्स सपोर्ट का सिंबल दिखाया गया है। इस केस में क्या हो रहा है, फिक्स सपोर्ट तो दोनों जगह दिखाया गया है, मतलब फिक्स्ड हो रहा है ये दोनों तरफ, कोई भी सा भी पोजीशन जो है ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं पे भी आपको दो सपोर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट बॉटम में आपको डॉट नहीं है, मतलब बॉटम आपका फिक्स्ड है,
लेकिन टॉप में आपका क्या है, पिंड है। आप ये कह सकते हैं कि ये पिंड सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। तो जब भी पिंड और फिक्स के बीच में ये फंसेगा तो इस पे जो टोटल लेंथ होगा, जो इस केस में 0.65 होता था दोनों फिक्स में, अब इसमें आपको रोटेशन अलाउ कर रहा है। तो रोटेशन अलाउ कर रहा है मतलब ये टोटल लेंथ जो आपको बेंड वाले कर्व पाथ पे आएगा तो ये आपको हो जाएगा 0.8L। मतलब आपका अब इसमें टोटल जो है 80% ऑफ द लेंथ है वो आपको सपोर्ट करेगा आपके कैलकुलेशंस में, उसमें सारे फोर्सेस जनरेट होंगे। बट ये बॉटम का जो 20% है, ये जो 0.2L है ये डिस्टेंस, ये आपको फिक्स्ड की तरह कंसीडर होगा। तो इस केस में हम लोग लेंगे 0.8L। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जितने भी जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं एक मार्क्स में, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कोई एक कंडीशन बता देगा, इसके लिए आपको बोलेगा, चार ऑप्शन दे देगा कि आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। और दूसरा कि जब आप कॉम्प्रेशन मेंबर का न्यूमेरिकल कीजिएगा, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालिएगा, उसमें आपको इफेक्टिव लेंथ वहीं पे ही आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहेगा। तो आप एल बाई आर करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए, आर आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा, एल का वैल्यूज अगर आपको याद ही नहीं है, क्वेश्चन में कंडीशन कुछ एक दे दिया है, तो फिर आपका वो स्लेंडरनेस रेशियो रॉन्ग होगा, फिर आगे आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली रॉन्ग होता चला जाएगा। इसलिए ये टेबल को याद रखना हर हाल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, इफेक्टिवली हैंड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब, इस लाइन को पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बोथ एंड्स पे आपको इफेक्टिवली रिस्ट्रेंड इन पोजीशन एंड रोटेशन है, बट आपको इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों ही एंड पे पोजीशन जो है वो आपको हेल्ड किया हुआ है, बट आपको रोटेशन जो है ये दोनों ही केस में आपको नहीं फिक्स्ड किया हुआ है। जब रोटेशन फिक्स नहीं किया हुआ है दोनों एंड पे, तो आप यहां भी एक डॉट देख रहे हैं, यहां भी आप एक डॉट देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पोजीशन तो फिक्स है, ये सपोर्ट यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें जब भी फोर्स लगेगा ऊपर से इस तरह से पी, सारे केसेस में यहां ऊपर से फोर्स लग रहा है इस तरह से पी, तो जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये इसी सपोर्ट के स्टार्टिंग से ही आपको रोटेट बकलिंग आना शुरू हो जाएगा और इस सपोर्ट के एंड तक बकलिंग होगा। मतलब ये जब टोटल लेंथ आपको क्या होगा, आप इस बात को नहीं भी देखिएगा तो आपको टोटल लेंथ ये क्या दिख रहा है, पहले ही एल था और इसके बाद भी ये आपको एल में ही हेल्प करेगा। मतलब आपको इस केस में जो आपका टोटल इफेक्टिव लेंथ जो आपका बियर करेगा कॉम्प्रेशन फोर्स को, वो 1L हो जाएगा, मतलब टोटल लेंथ एल। तो इस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू आपका टोटल लेंथ हो जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इस केस में, ठीक है। उसके बाद वाला केस, फोर्थ केस, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एट द अदर एंड। अब एक एक करके इसको समझिए। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड, पहले एक वर्ड को लेते हैं पोजीशन को। बॉटम में देखिए पोजीशन फिक्स किया हुआ है, फिक्स सपोर्ट बना हुआ है, कोई यहां पे दो सपोर्ट्स नहीं बना हुआ है, इसका मतलब बॉटम आपका पोजीशन फिक्स्ड है। उसके बाद कह रहा है एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब आपको यहाँ पे डॉट फ्री एक नहीं बना हुआ है, मतलब आपको पिन सपोर्ट नहीं है। तो जब पिन सपोर्ट नहीं है तो मतलब ये वाला पोजीशन आपका फिक्स्ड है, ना इसमें रोटेशन है ना इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एट द अदर एंड, मतलब अदर एंड पे क्या हो रहा है कि ये पोजीशन चेंज हो जाएगा बट उसमें रोटेशन नहीं आएगा। जो हम लोग यहां से ये ऐसे रोटेट कर जाता था, ये आपको सीधा ही पहले कंसिडर होगा कुछ दूर तक, उसके बाद फिर आपको ये अपने आप यहाँ आएगा। तो मतलब है कि यहाँ पे आपको पिन सपोर्ट नहीं दिया हुआ, दोनों जगह फिक्स सपोर्ट ही दिया है, लेकिन कह रहा है ये फिक्स सपोर्ट जो है ऊपर वाला, इसमें ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। तो जब डेल्टा डिस्प्लेसमेंट आ सकता है मतलब पोजीशन इस बार हेल्ड नहीं है। तो पोजीशन जब हेल्ड नहीं होगा, रोटेशन हेल्ड होगा और इस केस में फिक्स्ड होगा, तो ये टोटल लेंथ जो आपका इफेक्टिव लेंथ के तरह काउंट होगा वो आपका हो जाएगा 1.2L। इसमें मतलब L से ये ज्यादा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो जब भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो आपका ये टोटल L जो ये लेंथ था इससे ये ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको एक ये आपको ये वाला पाथ आएगा, इंक्लाइन पाथ आ जाएगा। तो टोटल लेंथ आपका स्ट्रेट में ही L था, तो जब इंक्लाइन में आ जाएगा तो ये आपको मोर देन वन हो जाएगा। तो कितना मोर देन वन होगा, 1.2L होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिफ्थ केस में आते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एट अदर एंड। ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है सिर्फ कि इस केस में ये कह रहा था कि आपको जो आपका पोजीशन है ये चेंज हो जाएगा बट रोटेशन एकदम नहीं है, कंप्लीटली रिस्ट्रेंड है। यहां पे लिखा था आपको रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा था, 1.2L आ रहा था। अब इस केस में क्या कह रहा है कि नीचे वाला तो आपका सेम कंडीशन है, फिक्स्ड है और कोई रोटेशन नहीं है,
ऊपर वाले में कह रहा है आपको कि फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है, मूवमेंट तो होगा बट थोड़ा सा रोटेशन भी है, मतलब पार्शियल आपको इसमें लिखा हुआ है। पार्शियल रोटेशन मतलब कि आपको थोड़ा सा रोटेट करेगा, फुल्ली एकदम रोटेट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ इस केस में फुल्ली रोटेट हो रहा था, इसमें आपको फुल्ली रोटेट नहीं होगा, थोड़ा सा रोटेट भी होगा और पोजीशन तो पूरा ही मूव करेगा। तो ऑब्वियसली जब आपको रोटेशन नहीं हो रहा था और मूव कर रहा था तो 1.2L है, तो जब रोटेशन भी होगा थोड़ा सा और मूव भी करेगा तो इससे थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू आएगा, तो ये जस्टिफाइड है आपको 1.5L इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट वाला सिक्स पोजिशन, सिक्स नंबर, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन एट द अदर एंड। इस केस में क्या कह रहा है कि बॉटम वाला आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन है, बॉटम वाला किसी भी केस में अभी तक आपका मूव नहीं किया, इस केस में भी मूव नहीं करेगा, बट अब वो कह रहा है कि बॉटम में आपका रोटेशन अलाउड है। तो अब आपको यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका रोटेशन आ रहा है। अब वो कह रहा है कि ये तो हो गया बॉटम का कंडीशन, अब टॉप में आपको रोटेशन नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब आपको ये डेल्टा आएगा बट आपको रोटेशन नहीं होगा। तो जब इस केस में आपको ऐसा केस तो यहां भी दिख रहा था कि डिस्प्लेसमेंट आएगा बट डेल्टा नहीं आएगा, बट इस केस में ये फिक्स था। तो फोर्थ और सिक्स वाले में सिर्फ डिफरेंस ये है कि टॉप का पोजीशन तो सेम है, बस बॉटम में आपको पहले फिक्स्ड और रोटेशन दोनों नहीं था, इस केस में आपको रोटेशन अलाउ कर दिया है। तो ये जो टोटल लेंथ आपको बिहेव करेगा, ये ट्वाइस द लेंथ बिहेव करेगा, मतलब आप ये हो सकता है कि ये एक बार ये वाला पाथ फॉलो करेगा, तो एक बार हो सकता है कि ये पूरा क्योंकि रोटेट हो रहा है तो ये हो सकता है रोटेट होकर नीचे की तरफ आ जाए, तो जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये इसको डबल कंसिडर करता है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ आपको हो जाता है 2L। ऐसे केसेस में आपका आपका अगर वो टोटल लेंथ अगर आपका 3 मीटर है तो आप उसको इस तरह से कंसिडर करेंगे कि वो आपका 6 मीटर की तरह है, ये इसके कहने का मतलब हुआ। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नाइदर हेल्ड इन पोजिशन नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड। इसका मतलब है कि बॉटम आपका फिक्स्ड है, कोई रोटेशन नहीं होगा, बट टॉप आपका फ्री है। इसको कई बुक में ना आपको इस तरह से लिखा रहता है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट फ्री इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, मतलब आपको फ्री वर्ड यूज करता है फ्री एंड। तो जब भी फ्री एंड भी यूज करता है इसका मतलब है कि आपको ओपन में कोई सपोर्ट नहीं है। अब सपोर्ट नहीं है, अगर इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो ये आपको रोटेट भी करेगा और ये आपको जो आपका लेंथ है ये आपका पोजीशन आपको चेंज भी हो जाएगा, मतलब ये आपको डेल्टा भी आ जाएगा, इसमें रोटेशन भी आ जाएगा। और टॉप में आपको कोई सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपको हुआ एक तरह का कैंटिलीवर केस। कैंटिलीवर इन द सेंस कि जब आप ग्राउंड से आपका जो इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं ये आपका ग्राउंड में इस तरह से फिक्स होता है बट इस तरह से सिर्फ ओपन रहता है, तो इस पर अगर आपका बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा तो ये आपको बेंड भी होगा इस तरह से, आपका ये टॉप का पोजीशन भी चेंज होगा और प्लस इसमें अगर कॉम्प्रेशन लोड पड़ता रहेगा तो ये रोटेट भी होगा। तो इस तरह के केसेस को भी हम लोग लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो हम लोग 2 into L लेके चलते हैं। तो अब आपको सारे वैल्यूज मिल गए हैं, L कई बार आपको 0.65L हो सकता है, 0.8L हो सकता है, 1, 1.2, 1.5 and 2L, ये 5 वैल्यूज आपको गिवन है। अब इसमें से कौन सा वैल्यू कब लेंगे वो क्वेश्चन में आपको कंडीशंस के हिसाब से गिवन रहेगा। तो इसके हिसाब से आपका जब इफेक्टिव लेंथ निकलेगा तो फिर आपका स्लेंडरनेस रेशियो LYR करके निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रट का केस, जब हम लोग स्ट्रट में हम लोग जब किस तरह से सपोर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रट क्या होता है आपका एक ट्रस है, इस ट्रस में आप उसमें कनेक्शंस लगाते हैं। बाकी अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये तो हो गया आपका बिल्डिंग, जब आपका फिक्स कॉलम की तरह यूज होता है तो ये सारा आपका कॉलम में लागू होता है कि कॉलम में आपका टॉप का सपोर्ट किस तरह है, बॉटम का सपोर्ट किस तरह है। लेकिन जब आप ट्रस में लगाते हैं तो ट्रस में आप कनेक्शंस डिजाइन करते हैं, तो जब आप ये कनेक्शंस डिजाइन करते हैं तो आप इसमें कई बार रिवेटेड लगाते हैं, कई बार वेल्डेड करते हैं। तो रिवेटेड लगाते हैं तो क्या होता है, वेल्डेड लगाते हैं तो क्या होता है, अगर रिवेट में भी हम लोग सिंगल रिवेट लगाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा रिवेट लगाएंगे डबल ट्रिपल या मल्टीपल लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो ये होगा आपका स्ट्रट वाले केस में। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग और बाकी सारे कंडीशंस पढ़ेंगे कि स्ट्रट के केसेस में क्या होता है, कितने टाइप के आपके कॉम्प्रेशन मेंबर के शेप्स होते हैं, और फिर हम लोग उसका डिजाइन का थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका डिजाइन का फॉर्मूला क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट में वो आगे हमारे IS कोड में से जो हम लोग टेबल यूज करते हैं जिसमें हम लोगों का सिग्मा का वैल्यू मिलता है परमिसिबल स्ट्रेस का, वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।